अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ झटपट आलू की रेसिपी। अगर आपको भूख लग रही है घर में, आप जल्दी जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को बनाएं और इसको देखें कितने मज़े के हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अभी चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी ये देखें, 6 आलू को मैंने इस तरह छीला है। इसका भी हम देखें, 2 टुकड़ा मैंने किया है, फिर इसको मैंने इस तरह 2 टुकड़ा किया है। अब इसको हम इस तरह कटिंग करेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा। आलू का मैंने कटिंग किया है और 2 हरी मिर्ची मैंने इस तरह के लिए, इसको भी हम इस तरह कटिंग करेंगे। बीच से मैंने काटा है, फिर हम इसको इस तरह कटिंग करके इसमें डाल देंगे। अगर आप छोटी वाली मिर्ची हरी डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं इसमें। ये ऐसी रेसिपी है, आपको जब भूख लग रही है, आप चाहते हैं अर्जेंट कोई मिल जाए, कोई चीज़ हम खाएँ, तो आप इसको बना सकते हो। बहुत मज़े के ये बनते हैं। ये देखें मिर्ची, आप जितना आप लोगों को पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। बस मिर्ची और इसमें आलू है और कुछ भी नहीं है। बाद में फिर और मसाले डालूंगी। 2 बड़ी मिर्ची मैंने काटा है और 4 छोटी मिर्ची मैंने इसमें काटा है। मिर्ची का जायका इसमें बहुत अच्छा होगा, खाने में बहुत मज़ा आएगा। चलो अभी चलते फ्राई। मैंने लगा दिया कढ़ाई में, डाल दिया इसमें 3 चम्मच खाने का मैंने तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है इसमें। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं, बस 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। चूल्हा हमारा तेज़ ही होगा, तो अब हम फ्राई करेंगे तेज़ चूल्हे पे। लाइट गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसको दम पे देंगे। देखिए चूल्हा हमारा तेज़ी है। अब इसमें मैं एक बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काटा है, ये भी इसके साथ डाल देंगे। चूल्हा तेज़ी होगा, इसको हम तेज़ चूल्हे पे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये हल्का गोल्डन हो जाए। हल्का हल्का गोल्डन हो गया, अब इसको हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसके ज़रूरत। नमक मैंने इसमें डाल दिया, इसको अभी मैं 4 से 5 मिनट दम पे दूंगी, ताकि आलू थोड़ा हमारा नरम हो जाए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे क्या करना है। ये बहुत मज़े की बनते हैं वाकई में, मुझे तो बहुत पसंद है ये। अभी 5 से 4 मिनट के बाद वापस ये लेट हो गए। अब इसको हम पलटेंगे थोड़ा, ताकि जल नहीं जाए। वापस दोबारा हम इसको ढकना बंद करेंगे इसका। ये देखें गोल्डन हो गया ना। अभी दूसरी तरफ इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर दोबारा मैं इसको 2 से 3 मिनट वापस दम पे दूंगी। चूल्हा हमारा स्लो है, फ्राई हो गया बिल्कुल क्रिस्पी। अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस एक चुटकी के बराबर कुटेला मिर्ची हम इसमें लगा दिया मैंने। थोड़ा सा इसको मिलाएंगे, कुटेला मिर्ची जितना आपको मर्जी है, तेज़ कम आप डाल सकते हो। ये बिल्कुल रेडी हो गया, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये देखें थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के बराबर धनिया बारीक काटा है, ये इसके ऊपर से हम इसको डाल देंगे। बस चूल्हा मैंने बंद किया, अब इसको बस ऐसे मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद ही है हमारा, 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। 2 मिनट के बाद डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने अच्छे भी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े की हैं, यकीन करो बहुत मज़े की है। थोड़ा सा धनिया में ऊपर से वापस लगा दूंगी। आप लोग इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दें ढेर सारे दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।